हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक, जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ ड्रिल के बारे में बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के ड्रिल्स, हम कितने टाइप्स के ड्रिल्स होते हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ड्रिल मशीन पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है आपने। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमारी वीडियोज़ को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन की। ड्रिल मशीन कितने टाइप्स की होती हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में व्हाट इज ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन क्या है, पार्ट्स नेम ऑफ ड्रिल मशीन्स, ऑपरेशंस ऑफ ड्रिल मशीन्स एंड टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन्स। तो ये सारे के सारे जो कंटेंट है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आप ड्रिल के बारे में सीखना चाहते हैं कितने टाइप्स के ड्रिल्स होते हैं और उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। और भी सभी कटिंग टूल्स पर भी वीडियो बनाई है, तो उन वीडियोज़ को भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उन वीडियोज़ को भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन क्या है। जैसा कि आपने बताया कि ड्रिल जो है वो हम किसी भी सिलेंडर सरफेस से होल करने के लिए ड्रिल का यूज़ करते हैं, और जिस मशीन के थ्रू हम ड्रिल को करते हैं, जिस मशीन से हम ड्रिल को होल्ड करते हैं, पकड़ के रोटेट कराते हैं, उसको पावर देते हैं ड्रिल को, तो वो जो मशीन है वो ड्रिल मशीन कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पर ये इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की कुछ हैंड ड्रिल मशीन्स होते हैं, जिसमें हम जो फास्टनर्स स्क्रू वगैरह हैं उनको टाइट और लूज़ करने के लिए भी हम ड्रिल मशीनों का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम जो है किसी भी जो ड्रिल से हम जो होल करते हैं उसके लिए, ड्रिल को होल्ड करने के लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं, ड्रिल एंड ड्रिल मशीन। अब बात करते हैं पार्ट्स नेम ऑफ ड्रिल मशीन। देखिए, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं ड्रिल मशीन है, और इसके पार्ट्स पर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले इसका बेस, बेस के बाद इसका पिलर, फिर वर्क बेंच टेबल, ड्रिल चक, ड्रिल चक जिसमें हम यहाँ पर देखिए ड्रिल चक जिसमें हम ड्रिल को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट इसका हैंडल, जिससे हम इसकी फीड वगैरह देते हैं इसको हैंडल। उसके बाद पुली, जहाँ से पुली से के थ्रू ही हम मोटर की जो पावर है उसको स्प्रिंडल तक लेके आते हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, जहाँ से पावर जनरेट होती है। तो ये सभी इसके कुछ पार्ट्स के नाम है। तो आप इस तरह का ये एक फ्री हैंड स्केच अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके और इसके पार्ट्स के नाम को याद कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन पे गाइस हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशंस की बात करें, ड्रिल मशीन पे जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किया जाने वाला ऑपरेशन है वो है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हम ड्रिलिंग ऑपरेशन ही करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीमिंग की, हम रीमिंग ऑपरेशन भी ड्रिल मशीन पर करते हैं कुछ ये तरह का। गाइस, रीमर पर भी रीमिंग के ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ रीमर, उस पर भी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी वहाँ से जाके देख लीजिए कि रीमिंग के लिए ड्रिल साइज़ क्या होना चाहिए, वो कैलकुलेशन वगैरह सब बताई है मैंने, तो आप उस वीडियो को भी वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग गाइस, ये ऑपरेशन देखिए काउंटर बोरिंग ऑपरेशन है, इसमें हम किसी जो होल है पहले से किए गए उसको कुछ साइज़ तक उसको डायमीटर को बड़ा करना, जिससे कि हम कोई बोल्ट का हेड है उसको प्लेट सरफेस पर फिट कर सकें, जैसे एलन बोल्ट वगैरह में फिट करने होते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह की काउंटर बोरिंग ऑपरेशन का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका काउंटर सिंकिंग, ये ऑपरेशन काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन है, जब हम ड्रिल्स की बर्स वगैरह हटानी, चैम्फरिंग कर, चैम्फर ऊपर से चैम्फर लगाना, या फिर काउंटर सिंक स्क्रू या काउंटर सिंक बोल्ट है उनको हेड को बिट सेट करने के लिए सरफेस में, इस तरह के काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं टैपिंग। तो इस तरह से हम जैसे हैंड टैप हम करते हैं, हैंड टैप्स मैनुअल करते हैं, और इस तरह से इन मशीन टैप भी हम कर सकते हैं। तो मशीन टैप के थ्रू भी हम इन जो टैपिंग प्रोसेस है वो मशीन से भी किया जा सकता है। ये तो टैपिंग प्रोसेस जिससे हम इंटरनल थ्रेड कट करते हैं। तो ये तो कुछ मेन ऑपरेशन है, इसके बाद और भी हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन। टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स की, जो काफ़ी अलग अलग तरह की हम इंडस्ट्रीज या अपनी वर्कशॉप में नॉर्मल हम बहुत सारी टाइप्स की अलग अलग तरह की मशीनें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रिल मशीन है वो आप यहाँ पर देखिए, ये हैंड ड्रिल मशीन है, और इस तरह की ड्रिल मशीन हम पहले यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये ड्रिल मशीन जो है वो कारपेंट्री शॉप में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, और इसको जो पावर जो दी जाती है वो हम
इसके हैंडल से मैनुअल पावर दी जाती है इसके स्प्रिंडल को रोटेट कराने के लिए, तो इसके लिए हम इसको हैंड ड्रिल या ब्रेस्ट ड्रिल भी इसको बोलते हैं, और ज़्यादातर कारपेंट्री शॉप में इस तरह की ड्रिल मशीनों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। ये ड्रिलिंग मशीन है जहाँ पर हमें वर्कपीस को हम जहाँ हमें वर्किंग टेबल है वहाँ तक नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करते हैं इस तरह की पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं, जो कि बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और जहाँ भी हमें लेके जाना है तो वहाँ पर हम इसको सुराख वगैरह भी से कर सकते हैं, किसी तरह का होल कट करना है हमें तो हम कर सकते हैं ड्रिल के हेल्प से। नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन है बेंच टाइप ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन आप देखेंगे ये बेंच टाइप ड्रिल मशीन है, जो छोटे छोटे काम हल्के काम होते हैं तो उसके लिए हम इस तरह की मशीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेडियल ड्रिल मशीन। रेडियल ड्रिल मशीन ये जहाँ हमें प्रोडक्शन चाहिए होता है हैवी कुछ लार्ज डायमीटर के साइज़ के, अगर हमें ड्रिलिंग करने हैं और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा के इजीली से ड्रिल करके बड़े बड़े कंपोनेंट्स में जब हमें ड्रिलिंग करनी होती है तो इस तरह की ड्रिल मशीन का हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इसको हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही डायरेक्शन में चला सकते हैं, इसके जो आर्म होती है उसको हम रोटेट करा सकते हैं किसी भी साइड पर, तो इस तरह की मशीन का भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पिलर टाइप। ये सबसे ज़्यादा हम अपनी वर्कशॉप में, नॉर्मल वर्कशॉप में, फिटिंग वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा इस तरह की ड्रिल मशीन का ही हम यूज़ करते हैं, ये जो है पिलर टाइप ड्रिल मशीन। इसमें हम ड्रिल चक की हेल्प से ड्रिल को फिट करके या फिर हम सॉकेट या स्लीव लगा के हम इस तरह की ड्रिल मशीन भी, इसमें भी गाइस अगर हम इसके स्प्रिंडल की बात करें तो इसमें भी मोर स्टेपर कटा हुआ होता है, जिससे हम जब हम स्लीव के थ्रू भी अगर कोई साइज़ के ड्रिल का लगाना चाहें टेपर सेंक ड्रिल को, तो उसमें भी लगा सकते हैं हम इसमें। इसके बाद बात करते हैं मल्टी स्प्रिंडल ड्रिल मशीन। ये जो मशीन आप देख सकते हैं ये मास प्रोडक्शंस के लिए हम इस तरह की मशीन्स का यूज़ करते हैं। इसमें एक ही मोटर के साथ यानी एक हैंडल एक स्प्रिंडल में काफ़ी सारे ड्रिल लगे होते हैं, काफ़ी सारे ड्रिल्स, या हम एक साथ कई ऑपरेशन कर सकते हैं ड्रिलिंग टैपिंग बोरिंग इस तरह के। तो ये मशीन जो है वो पावर जो हमें जहाँ पर मास प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर हम इस तरह के जो मशीन्स हैं उनका यूज़ करते हैं, और टाइम जो है हमारा जो टाइम लगने वाला उसको टाइम की सेविंग करते हैं सेव करते हैं, इसलिए हम इस तरह की मल्टी स्प्रिंडल ड्रिल मशीन्स का यूज़ करते हैं, जिसमें एक ही स्प्रिंडल पर काफ़ी सारे टूल लगे होते हैं। उसके बाद इसी तरह की एक और जो मशीन है जो भी हम इसका भी हम यूज़ प्रोडक्शन में ही किया करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, क्योंकि जो उसमें क्या एक ही स्पिंडल पे काफ़ी सारे ड्रिल्स टूल्स लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है इसी एक ही मशीन में हम अलग अलग तरह के कई सारे स्प्रिंडल्स लगे होते हैं, और उन सब पर हम जो भी टूल यूज़ करना है ड्रिलिंग टैपिंग जो भी जिस तरह का टूल यूज़ करना है काउंटर बोरिंग काउंटर सेकिंग, तो उस तरह का टूल हम लगा के एक साथ कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इस तरह की हम ड्रिल मशीन का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यूमेट्रिक ड्रिल मशीन का। ये मशीन जो है जिसकी अभी तक जो भी मशीनें थी वो सारी सारी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ही चलती हैं, लेकिन ये जो मशीन है ये एयर के प्रेशर से चलती है। जैसे आपने देखा हो कई बार रोड वगैरह या फिर आपकी कंक्रीट के लेंटर वगैरह कंक्रीट रोड्स वगैरह को तोड़ने के लिए हम इस तरह की मशीन का यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें कि इस तरह की मशीन जैसे आप अगर आपको अंडर वाटर का भी आपको ड्रिलिंग करनी है जैसे सिर्फ यार्ड मैन्युफैक्चरिंग में होती, तो अंडर वाटर अगर हमें ड्रिल करना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ पर अंडर वाटर हम नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रिसिटी की मशीन से वहाँ पर नहीं काम करती हैं। तो जैसा कि सिर्फ यार्ड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर हम इस तरह की प्नोमेट्रिक ड्रिल मशीन्स का ही यूज़ करते हैं, जो कि हवा यानी एयर के प्रेशर से चलती हैं ये मशीनें, तो इस तरह की मशीनों का यूज़ भी हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। तो ये तो था गाइस आज की इस वीडियो में टाइप्स, ये सभी कितने टाइप की मशीन्स होती हैं और कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके ड्रिलिंग के लिए हमें कुछ सेफ्टी प्रोकेशंस क्या क्या रखने चाहिए। डोंट वियर हैंड ग्लव्स व्हेन वी वर्क ऑन ड्रिल मशीन। जब भी हम ड्रिल मशीन पर काम करते हैं तो हमें हाथों पर ग्लव्स वगैरह नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ग्लव्स अगर उसकी ड्रिल की रेंज में आ गया तो ड्रिल के साथ आप ग्लव्स के साथ आपका हाथ भी उसमें फंस सकता है। नेक्स्ट डोंट क्लीन चिप्स विद हैंड। उसके पास जो चिप्स टेबल पर होते हैं तो उसको हम हाथ से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज शार्प होते हैं, उससे आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट है यूज़ कटिंग ऑयल ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन। जब भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो हमें कटिंग ऑयल का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा हमारे ड्रिल का जो पॉइंट है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें उस पर कटिंग ऑयल भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन डोंट इंटर एनी बॉडी पार्ट ऑफ इन मशीन एरिया। जब भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो हमें अपनी बॉडी का कोई भी
पार्ट मशीन के जो ड्रिलिंग एरिया है, मशीन का जो रोटेटिंग जो स्पिंडल का एरिया है, उसके आसपास में हमें उसको नहीं निकलना लगा लेकर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर जो चिप्स वगैरह निकलते हैं तो हमारे राउंड में कहीं भी टच होके चोट हमें चोट लग सकती है, इसलिए हमें उससे सेफ्टी रखनी चाहिए। तो ये तो थी सेफ्टी प्रिकॉशंस जब हम ड्रिल मशीन पर काम करते हैं। सो गाइस, ये तो था आज की इस वीडियो में कि हम किस तरह से किन कौन से टाइप की ड्रिल मशीन्स होती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सभी ये ड्रिल मशीन्स की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो एक वीडियो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोस को बनाने के लिए। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।